नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान रजमानी। हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी संघर्ष के दौर से तो गुजरना ही पड़ता है। कोई उनमें टूट जाता है तो कोई उन्हीं संघर्षों के बीच निखर जाता है। जो उस दौर का डटकर सामना करता है और उसको पार करता है वही यशस्वी बन पाता है। ये कहानी है यूपी के भदोही जिले के सुरियावा निवासी यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने संघर्ष के एक लंबे दौर का सामना किया, गोलगप्पे तक बेचे लेकिन वो कभी टूटे नहीं, बस आगे बढ़ते गए और आज बन चुके हैं विश्व रिकॉर्डधारी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का लाल यशस्वी जायसवाल विश्व क्रिकेट में बल्ले से किया कमा। यशस्वी योद्धा के संघर्ष का युद्ध। पेट पालने के लिए बेचता था पानीपुरी। जब इंसान के पास खोने को कुछ ना हो और पाने की ललक हिचकोले खाते समंदर से भी बड़ी हो तो फिर प्रकृति पाने की हर राह खोल देती है। अपने आसमानी जज्बात और चट्टानी इरादों के बलबूते इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। बस जरूरत है निरंतर आगे बढ़ते रहने का हुनर और कठिन लक्ष्य को भेद देने वाली महाशपथ। कहते तो ये भी है कि अगर किसी इंसान को मुफलिसों से लड़ने का हुनर आ गया तो फिर क्या मजाल किसी और कठिनाई की जो उसे उसके लक्ष्य को पाने की राह में कठिनाइयां पैदा कर सके। अभाव की आग में तपकर कनक बनते कई सितारों के बारे में हम आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक ऐसा सितारा जो मैदान पर उतरा तो उसकी चमक पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन यहां तक पहुंचने की राह उसकी कितनी मुश्किल रही, कैसे रातें गुजार कर वो एक महान यशस्वी योद्धा बनकर सब कुछ साबित कर दिया। माता पिता ने भले ही नाम उसका यशस्वी रखा था लेकिन उसने हाथों की लकीरों को खुद उकेरा और फिर बन गया हिंदुस्तान का सबसे चमकदार सितारा। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी से सटे जिले भदोही का एक होनहार लड़का जब पिता से कहता है कि क्रिकेट की बारीकियां सीखने के लिए मुंबई जाना है तो पिता सीधे तौर पर मना कर देते हैं, लेकिन उसका कोच उसके भीतर छिपे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बचपन में देख रहा होता है और फिर एक साल बाद पिता से गुजारिश करता है। पिता मान जाते हैं, बेटा मुंबई जाता है। खेल की दांव पेच तो सीखने लगता है लेकिन अपनी जिंदगी के सारे अभाव के आगे उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के भदोही के इस किशोर के लिए क्रिकेटर बनने की राह आसान नहीं रही। जब वह 2012 में क्रिकेट का सपना संजोए अपने चाचा के साथ मुंबई पहुंचा तब वह महज 11 साल का था। चाचा के पास इतना बड़ा घर नहीं था कि वह उसे भी उसमें रख सके। फिर वो एक डेयरी दुकान में अपनी रातें गुजारता। यशस्वी अपना पेट पालने के लिए आजाद मैदान में रामलीला के दौरान गोलगप्पे भी बेचते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा और जब भी मौका मिला उसने हर मौके को जमकर भुनाया। उनकी जिंदगी में हर पड़ाव आया मगर इस यशस्वी योद्धा ने कभी हौसले से हार नहीं मानी। यशस्वी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब साल 2019 के ऑक्शन में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद इस योद्धा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो टीम इंडिया में शामिल है। यशस्वी जायसवाल के पानीपुरी वेंडर से एक स्टार क्रिकेटर बनने के सफर ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपकी कड़ी मेहनत और लगन के साथ चलोगे तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं, हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यशस्वी के लिए प्राइम टीवी विश करता है कि तुम्हारा यश यूं ही बढ़ता रहे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही कहानी है यशस्वी की, जिनके इरादे इतने बुलंद थे, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उसके बावजूद भी वो अपने एक मुकाम हासिल करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए और आज वो एक विश्व रिकॉर्डधारी हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।